दोस्तों नमस्ते, मैं आपका दोस्त आनंद गर्ग। दोस्तों मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ भारतीय फोनेटिक इंग्लिश के बारे में। भारतीय फोनेटिक इंग्लिश ये क्या होता है? दोस्तों ये इस विषय का नाम मैंने रखा है भारतीय फोनेटिक इंग्लिश। तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ ये होता क्या है। दोस्तों श्री गणेश करेंगे इस विषय के बारे में। मैं अपना प्राइमरी स्कूल यानी कि स्कूल डेज 5th स्टैंडर्ड से मैं अपना इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया। तब से मुझे ये इंग्लिश स्क्रिप्ट जो लिखते हैं उसको समझने में और उसको लिखने में कठिनाई होती थी। इसके बारे में मैं अपने गुरुजी से और अपने पिताजी से पूछा करता था, मगर वो बोलते थे ये इंग्लिश ऐसा ही है, ये स्क्रिप्ट ऐसे ही है, तो इसलिए आपको ऐसे ही लिखना है। तो मुझे कठिनाई होती थी उसको समझने में, और स्पेशली खासकर भारतीय नाम जो है उसको पढ़ने में और उसको उसका अर्थ ढूंढने में मुझे कठिनाई होती थी। जैसे कि मेरा नाम है आनंद गर्ग, मैं उसको लिखता था ANANDD। तो अपने मैं गुरुजी से पूछा करता था, गुरुजी ये आनंद भी हो सकता है और 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 आनंद भी हो सकता है, तो इसको कैसे जाने कि ये आनंद ही है? गुरुजी ने बोला इंग्लिश में जो लेटर्स है, जो अल्फाबेट है, उसका लिमिटेशन है, तो इसलिए हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं और ये ऐसे ही लिखा जाता है, हमको ब्रिटिश ने ऐसे ही सिखा के गए हैं तो हमको ऐसे ही लिखना है। तो मैं अपने आप को पूछता था, हम अभी भी ब्रिटिश का गुलामी क्यों करे? उन्होंने जैसे बोला वैसे ही हम इंग्लिश क्यों लिखे? मैं सोचता था इंग्लिश तो हाईटेक लैंग्वेज नहीं है, लॉजिकल लैंग्वेज नहीं है, साइंटिफिक लैंग्वेज भी नहीं है। इंग्लिश का स्क्रिप्ट भी दूसरा लैंग्वेज से लिया गया है, इंग्लिश को खुद का स्क्रिप्ट भी नहीं है, तो भला हम क्यों उसको फॉलो करें? क्यों ना इसको इम्प्रूव करें? तो ऐसा मैं सोचता था। मेरा मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होता था नाम लिखते वक्त। इंग्लिश में मैं सोचता था अपने संस्कृति, अपनी देवी देवता और अपने दोस्तों को देने वाला कम से कम मर्यादा यानी कि मिनिमम रिस्पेक्ट होता है, उनका नाम सही तरीके से बुलाना और उनका नाम सही तरीके से लिखना। हम किसी भी कार्य को श्री गणेश से शुरू करते हैं, उसको बोलते हैं उस काम का श्री गणेश करना। तो मेरा पहला विघ्न श्री गणेश से ही हुआ। इंग्लिश लिखते वक्त मैं गुरुजी को पूछा करता था, गुरुजी अगर ये श्री गणेश है तो श्रेय गणेश भी उसको पढ़ सकते हैं ना, क्योंकि SHREE है और GA यानी SH है। तो उन्होंने बोला उसको खुल के बोलो और डिटेल में पूछो आपका क्वेश्चन क्या है। मैं अपना पिताजी को भी पूछा करता था, उनको पूछता था पिताजी ये गणेश नाम जो है इसमें इसको गणेश भी बोल सकते हैं, गणेश भी बोल सकते हैं, गणेश भी बोल सकते हैं, तो इसको गणेश ही ऐसा क्यों हम उच्चारण करें, यानी कि इसको ऐसे ही प्रोनाउंस कैसे करें? उन्होंने बोला कि आपको पता है श्री गणेश जी के बारे में, उसका नाम और आपको संस्कृति में है, इसलिए आप उसको श्री गणेश या फिर गणेश ऐसे ही प्रोनाउंस करो। तो मुझे कन्फ्यूजन होता था कि अगर किसी को लिखना है गणेश वो कैसे लिखेगा, क्योंकि यन एक ही है, उसमें न और ण दोनों एक ही है।
स्वस्तिक लिखते वक्त SWASTI के ही क्यों लिखना है, SVASTI के क्यों नहीं लिखना है, ऐसा पूछा करता था। और पूछा करता था ओम कैसे लिखे, ओम लिखना है ओम नहीं ओम। तो पार्थ लिखते वक्त मैं इसको पढ़ता था पर्थ या पर्ट, गुरुजी बोलते थे ऐसा नहीं पढ़ना है उसको पार्थ पढ़ना है। तो मैं उसको पूछता था पर्थ लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो बोलते थे पर्थ भी ऐसा ही लिखना है। तो राघवेंद्र कैसे लिखना है ऐसे लिख के दिखाया उन्होंने। तो मैं उसको पूछता था ये तो राघवेंद्र हो गया, राघवेंद्र भी हो सकता है, इसको कैसे सॉल्व करें। मेरा देश भारत के बारे में भी पूछा करता था ये भारत कैसे लिखे, BHARAT भरत भी होता है ना, तो इसको भारत ही क्यों पढ़े। किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप लिखो BHARAT, तो मैंने उनको बोला ठीक है ये तो भा हो गया र हो गया, बाद में लास्ट का टी जो है वो ट भी बोल सकते हैं ना, भारत या भारत कैसे पढ़े। तो उनके पास इसका इलाज नहीं था। तब से मैं सोचा करता था ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। और हमारे जो महान राजा चक्रवर्ती देवी देवता है और अपने दोस्त है उनके नाम सही तरीके से कैसे लिखे, और जो लिखा हुआ है इंग्लिश में उसको दूसरे उसका पूर्वाग्रह यानी कि उस नाम को बिना जाने भी वो कैसे सही तरीके से प्रोनाउंस करे, वो मैं सोचा करता था। तो मैं करीबन 10 साल पहले एक टेक्निक डेवलप किया, इसको मैंने नाम रखा भारतीय फोनेटिक इंग्लिश। ये इंग्लिश लिखने में मैं 9 साल से इसको मैं अडॉप्ट किया हूँ और प्रैक्टिस कर रहा हूँ। चलिए कुछ नाम का एग्जाम्पल्स या फिर उदाहरण देखते हैं। जैसे कि विष्णु है, मगर ये इंग्लिश में होता है विष्णु या विष्णु, विष्णु ऐसा नहीं प्रोनाउंस कर सकते। दूसरा नाम है धवल, मगर इसको इंग्लिश में जब लिखते हैं तब वो डबल होता है, डवाल होता है, डावल होता है, तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। दूसरा नाम है दक्ष, ये यहाँ होता है दक्ष, दक्ष ऐसा नहीं होता है। लक्ष्मी, लक्ष्मी। चिन्मय, मैसूरु, मैसोरु, बेंगलुरु, बेंगलुरु, बेलगावी, बेलगावी। तो मैं पूछा करता था इसमें तो ळ नहीं है तो बेंगलुरु कैसे लिखे, बेलगावी लिखने के लिए ळ नहीं है, बेलगावी कैसे लिखे। तो इसीलिए मैंने एक तरकीब ढूंढा, मैंने एक उपाय किया, क्यों ना हम ये 26 अल्फाबेट जो है इसी को यूज करके ये प्रॉब्लम सॉल्व क्यों ना करें। तब से मैं सोचने लगा इसको कैसे सॉल्व करें सिर्फ 26 लेटर्स यूज करके। मेरे स्कूल में मेरे को पढ़ाया गया कि इंग्लिश को आप कैपिटल्स में और स्मॉल लेटर्स में लिख सकते हैं, यानी कि अपर केस और लोअर केस, या फिर बोल्ड लेटर्स या फिर स्मॉल लेटर्स। तो मैं गुरुजी को पूछा करता था गुरुजी अपर केस यानी कैपिटल्स में लिखने से और लोअर केस या फिर स्मॉल लेटर्स में लिखने से इंग्लिश का शब्दों का अर्थ बदलते हैं क्या। उन्होंने बोला ऐसा नहीं है। मेरे पिताजी ने भी बोला आप लोअर केस में लिखोगे तो भी उस वर्ड का मीनिंग सेम रहेगा, यानी कि उस शब्द का अर्थ सेम रहेगा।
और आप कैपिटल्स में लिखोगे तब भी इसका अर्थ सेम रहेगा, यानी कि मीनिंग सेम रहेगा, ये बदलेगा नहीं। यानी कि फोन, ये हम लिखते हैं PHONE, इसको हम या फिर लिखे अपर केस में या फिर लोअर केस में, मतलब कैपिटल्स में या स्मॉल लेटर्स में, तभी इसका अर्थ बिगड़ता नहीं है। तो मैं सोचता था मैं सिर्फ क्यों ना मैं क्यों लोअर केस में लिखूं, तो मैं इंग्लिश लिखता हूँ सिर्फ बोल्ड लेटर्स में। मैं कम से कम 20 साल से 25 साल से इंग्लिश को, जब इंग्लिश लैंग्वेज लिखना है तो मैं सिर्फ कैपिटल्स यूज़ करता हूँ। मैं सोचता हूँ वो उसका रीडेबिलिटी यानी कि पढ़ पाना प्रॉपरली होता है और प्रॉपरली दिखता है, और मैं लोअर केस यूज़ नहीं करता। तो बाद में रहते रहते मैं सोचने लगा क्यों ना ये लोअर केस जो और 26 लेटर्स है, अल्फ़ाबेट्स है, उसको भारतीय लैंग्वेज को कॉम्पेटिबल बनाने के लिए यानी कि उसको मैच करने के लिए किया जाए। तो मैंने एक तरीका डेवलप किया, इसको मैंने नाम रखा भारतीय फोनेटिक इंग्लिश स्क्रिप्टिंग या फिर भारतीय फोनेटिक इंग्लिश राइटिंग। चलिए उसको देखते हैं। उससे पहले हम पहले जानेंगे हमारा वर्णमाला यानी कि हमारा अल्फाबेट। दोस्तों मैं क्योंकि कन्नड़ मीडियम में सीखा हूँ इसलिए मैं कन्नड़ भी लिखा हूँ अल्फाबेट वर्णमाला, और हिंदी यानी कि देवनागरी उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानता हूँ इसलिए मैं उसको हिंदी में भी लिखा हूँ। अगर मेरा हिंदी उतना ठीक नहीं है तो कभी कभी यहाँ वहाँ थोड़ी छोटी मोटी गलती हो सकता है, आप एडजस्ट करें। चलिए देखते हैं ये स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं। क, छोटा ख, कमल, बड़ा ख, खड़ग। इसके लिए मैंने लिखा है कैपिटल के, उसको बोलता हूँ ख। यहाँ पे मैंने लिखा है छोटा के, उसको बोलता क, यानी कि अल्प प्राण महाप्राण। यहाँ पे लिखा है ग, छोटा जी, ग। घड़ी का घ, घंटा का घ, तो बड़ा जी लिखा हूँ। ना, च, यहाँ पे मैंने छोटा सी लिखा है, छ, छाता, छत्रपति, बड़ा सी लिखा हूँ। ज, छोटा ज, जहज, जहाज, जमीन, जायदाद। झ, झारखंड का झ, रिम झिम, तो मैंने बड़ा झ जे लिखा है या फिर हम जेड यूज कर सकते हैं। न, ट, बड़ा टी यूज किया हूं, और ठ, ठाकुर का ठ, तो बड़ा टी स्मॉल एच। डमरू, बड़ा ड, बड़ा डी लिखा हूं, और ढोल, बड़ा डी स्मॉल एच, ढ। न, गणपति, गणेश, बड़ा एन, स्मॉल टी फॉर त। माता, पिता, ऐसा त के लिए ये छोटा टी। ठंडी, थापर, ऐसी ऐसा वर्ड्स के लिए छोटा टी और स्मॉल एच, थ। द, दया, दोपहर, स्मॉल डी, स्मॉल डी स्मॉल एच, ध, धनवान, छोटा न, आनंद, गजानन, नमन, नमस्ते, न, स्मॉल एन। प,
पक्षी, परिणय, परिणिति, एफ फ फल, छोटा बी बन, बनाना, बातें करना, भ भविष्य, भारत, छोटा यम, म य र ल, छोटा ल, कमाल, लक्ष्मी, लम्हा, व वी, शक्कर, शक्ति, शंकर, बड़ा यस, षटकोण, षण्मुग, बड़ा यस, छोटा एच, स सागर का स, सन्मति, सद्बुद्धि, छोटा एच ह, ल होता है, मंजुला, परिमल, बड़ा एल, अभी हम स्वरों को बारे में देखेंगे, इसको बोलते हैं ओवेल्स, और हमने अभी देखा वो है कॉन्सोनेंट, छोटा अ, अमर, अकबर, अनिल, बड़ा ए, आ, आनंद, आकाश, छोटा आई, लोअर केस आई, इमली, इज्जत, ई, बड़ा आई, ईश्वर, स्मॉल यू, उन्नति, बड़ा ऊ, ऊपर, ऊर्जा, री, बड़ा आर, छोटा आई, या फिर बड़ा आर, छोटा यू, ए, ये इसको मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया है क्योंकि देवनागरी में, देवनागरी स्क्रिप्ट में ये नहीं है, तो इसलिए मैंने एक सिंबल डेवलप किया है, ऐसा ये मैंने खुद डेवलप किया है। आई, ऐरावत, ऐशो आराम, ओ, छोटा ओ, यह है बड़ा ओ, ओम, रोड, मोड, तो ये बड़ा ओ है। औ, औषधि, हम जैसे वर्ड लिखते हैं उसका मुताबिक ये होगा छोटा ए और छोटा एन, या फिर छोटा ए और छोटा एम, और अह, छोटा ए और छोटा एच। क्ष, तक्षक, बड़ा एक्स और छोटा एच, दक्ष, जेराक्स, छोटा एक्स, एक्शन, मिक्शन, इसके लिए बड़ा एक्स।